तो गाइज अगर आप यहाँ पर हैं, आई एम एज्यूमिंग कि आपने आइस और नो चाइना रफ्तार के दोनों गाने सुने हैं। आइस रफ्तार का सोलो सॉन्ग एंड नो चाइना रफ्तार फीचरिंग कृष्णा, दोनों आपने सुने होंगे। अब आइस में ये वाला लाइन था, किशन का करियर डॉग डेज जैसे हश पपी करे सौ ड्रामे साले बस कपी। ये लाइंस एक्चुअली आइस को नो चाइना के साथ बहुत गहरी तरीके से कनेक्ट करते हैं। बेसिकली इन लाइंस में जो रेफरेंसेस हैं उन्हीं का कंटिन्यूएशन है नो चाइना। कैसे मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनका करियर डॉग डेज इस लाइन के बारे में। मैंने इसका थोड़ा सा समझाया भी था अपने नो चाइना वाले रिएक्शन रिव्यू के अंदर, अगर वो अपना वीडियो चेक नहीं किया यू कैन चेक इट आउट। वो बेसिकली रिएक्शन है, इट्स नॉट अ ब्रेकडाउन, बट उसमें मैंने ये डॉग डेज वाला लाइन थोड़ा बहुत समझाया था कि इसका मतलब ये है कि जो जिन रैपर्स की बात कर रहे हैं रफ्तार सर अपने ओपोनेंट्स की बात कर रहे हैं उनका करियर बहुत ही छोटा है, किसी भी डायरेक्ट शॉट नहीं है बट इन जनरल ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन अर्ली जुलाई से अर्ली सेप्टेम्बर तक बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और उस पीरियड को डॉग डेज भी कहा जाता है। सो ये वाला मीनिंग मैंने वहां पर मिस कर दिया था कि बेसिकली इस पीरियड में रफ्तार सर इस साल काफी ज्यादा इनएक्टिव थे, तो ये भी उसका मीनिंग था कि जब मैं इनएक्टिव रहता हूं तभी मेरे ओपोनेंट्स का करियर चलता है। अब इसके बाद जो लाइन आता है जिसमें हश पप्पी का हम रेफरेंस सुनते हैं, वो सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लाइन है क्योंकि ऑब्वियसली डॉग डेज के साथ हश पप्पी का एक रेफरेंस तो हो ही जाता है बिकॉज डॉग पप्पी एंड ऑल्सो हश पप्पी एक ब्रांड है, तो वहां से हल्का हल्का हम नो चाइना की तरफ जा रहे हैं। बट जो मैंने रेफरेंस मिस कर दिया था वो ये था कि हश पप्पी नाम का एक बंदा भी है जिसका नाम है रेमोन अब्बास। वो बेसिकली एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है जो कि 2020 में अरेस्ट हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, मतलब कि बेसिकली बंदा स्कैमी है, अंग्रेजों का विजय माल्या समझ लीजिए। तो क्या है कि वो अपने अरेस्ट से पहले सोशल मीडिया पे अपने बिलोंगिंग्स को बहुत ज्यादा फ्लेक्स कर रहा था कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है। माँ को शायद फ्लेक्स नहीं किया होगा बट एनीवेज उसने बहुत कुछ फ्लेक्स किया था। और उसके फ्लेक्स किए हुए चीजों में क्या आती है, कुछ सर्टेन ब्रांड्स भी आते हैं जो कि आप अगर विकिपीडिया का आर्टिकल पढ़े उसके नाम का तो आपको ये ब्रांड्स दिखेंगे जो कि हैं गुची, फेंडी और लुई विटॉन। इन सब का रेफरेंस हमें कहाँ मिलता है, नो चाइना में। अब मुझको ज्यादा नहीं आता गुची ना फेंडी ना प्रारा। और नो चाइना का पूरा सार क्या है कि हम लोगों का जो हसल है वो असली है, वो फेक नहीं है, हसल है असली नो चाइना। और हश पप्पी का पूरा जो पर्सनालिटी था वो ही पूरा फेक था। वो ये दिखा रहा था कि उसने इतने पैसे कमाए हैं और उसकी इतनी फॉलोइंग है और उसके पास इतने सारे अच्छे अच्छे बिलोंगिंग्स है जो उसने अपने पैसे उसे खरीदे हैं, यही वो फ्लेक्स कर रहा था। उसके जो हेलीकॉप्टर्स है, जो घर है, जो कार्स है, जो बाकी के बिलोंगिंग्स है ये बड़े बड़े ब्रांड्स के, वो सब कुछ वो ऐसा दिखा रहा था कि उसके पास एक्चुअल में है, जबकि कुछ भी नहीं था, उसने सब कुछ स्कैम के पैसों से खरीदे थे, मनी लॉन्ड्रिंग करके खरीदा था। लुई भी कर देगा ऊपर से सुंदर अंदर से तब भी अगली लगेंगे। तो बेसिकली ये जो इनके करियर डॉग डेज जैसे हश पप्पी करे सौ ड्रामे साले बस गप्पी, ऑब्वियसली करे सौ ड्रामे साले बस गप्पी भी हश पप्पी के साथ यहाँ पर कनेक्ट होता है बिकॉज वो ड्रामा कर रहा था इंटरनेट पे और बस गप्पी छोड़ रहा था, इट वॉज नथिंग वॉज रियल। तो ये पूरा का पूरा जो रेफरेंस है ये कनेक्ट होता है नो चाइना से जाकर के। ऐसे ही और माइंड ब्लोइंग ब्रेकडाउन्स के लिए, फैक्ट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज, आई विल कीप इंक्रीजिंग माई नॉलेज एज वेल इन द प्रोसेस। साथ ही साथ मेरे ओरिजिनल गानों को भी आप चेक कीजिए, रिमिक्सेस को भी चेक कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, गुड बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग। सिंगुलैरिटी की तरह शब्द मेरे भारी पर करते हैं जारी सारी हिट कलाकारी यहाँ लगे गिर धरे जैसे अद्भुत बारी बड़ी लिट से गीत लिख कर दिखाने के फीट मन में चढ़े टिका सा करता करे भी इन्फिनिटी एबिलिटी टू को बीट द वैनिटी आउट ऑफ फिक्स अ ब्रांड की मैं तो लेता ना मनी बिकॉज़ आई ऑलरेडी गॉट द मतलब ऑन द बीट।